फर्स्ट ऑफ हमने ये स्टिक बनाई थी, ठीक है। स्टिक कैसे बनाते हैं मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। एक स्टिक की हेल्प से इसको लास्ट पॉइंट पर रखा और फिर रोल करना स्टार्ट किया, ठीक है। जिसको फ्लावर मेकिंग का प्रोसेस इनकम्प्लीट रह गया वो देख लीजिए। उस दिन इंटरनेट का थोड़ा इश्यू था तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और पूरी स्टिक में हमें ग्लू नहीं लगाना है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा लगाना है, ज्यादा नहीं। स्टिक बन गया हमारा। फिर फ्लावर के लिए अभी मेरे पास वो ऑरेंज कलर का पेपर नहीं है तो मैं ये रेड यूज कर रही हूँ, पर आपको ऑरेंज व्हाइट एंड ब्लू कलर यूज करना है, ठीक है। जैसे ये पेपर है, ठीक है, इसको आप जितने टाइम से फोल्ड कर सकते हैं उसी टाइम आपको फोल्ड करना है। और फिर एक साथ कटिंग कर लेना है। आप एक साथ कटिंग नहीं कर पाते तो आप कम फोल्ड कीजिए और अलग अलग पेटल्स कट कीजिए, ठीक है। फिर हमें इसमें ऐसा शेप देना है, ये टू स्टैंडिंग लाइन होनी चाहिए और फिर ऊपर से ऐसे थोड़ा सा हार्ट शेप, प्रॉपर हार्ट शेप नहीं देना है, ऐसा शेप देना है, ठीक है। हमें ऐसे पेटल्स कट करनी है। ठीक है, तो ये जो स्टैंडिंग पार्ट है ये वाला वो स्टिक के ऊपर पेस्ट होने में इजी रहेगा, इसलिए ऐसा शेप दिया है वहां पर। और ये जो हार्ड शेप है वो पेटल्स उसकी हो जाएगी। ठीक है, एक साथ इतनी सारी पेटल्स बन गई। अब हमने जो स्टिक बनाई है उसके ऊपर फर्स्ट पेटल आपको कौन शेप में करनी है, ठीक है। फर्स्ट पेटल आपको कौन शेप में ऐसे पेस्ट करनी है, कौन जैसे बनाते हैं ना पेपर से, वैसे आपको करना है, रोल करना है। और फर्स्ट पेटल ओनली वन पेटल ही आपको ऐसे करनी है। और फिर स्टिक के ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगा के ये इसके ऊपर लगा देनी है। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्टिक फ्लावर के बीच में नहीं देखेगी ऊपर से, ठीक है। बाकी की जो पेटल्स है उसको साइड बाय साइड आपको पेस्ट कर देना है, पर पहले आपको पेटल्स के टू पार्ट से उसको एक साइड फोल्ड कर देना है, ठीक है। ऐसे फिंगर की हेल्प से एक साइड फोल्ड कर देना। जब हम पहले फोल्ड पेस्ट करते थ्री फोर पेटल्स आपको अंदर की ओर फोल्ड रहे वैसे पेस्ट करना है। ये जो फोल्ड्स है ये अंदर की ओर रहे वैसे पेस्ट करना है, ठीक है। बाकी की पेटल्स जो है वो बाहर की ओर फोल्ड रहे वैसे पेस्ट करना है। ऐसे जब गम लगाते हो तो आपको 2-3 सेकेंड्स के लिए ऐसे होल्ड करके रखना है तो प्रॉपरली पेस्ट होगा। सभी पेटल्स में ऐसे फोल्ड्स करने हैं, ठीक है। और पेटल्स रेंडमली लगानी है, एक ही जगह पर सभी पेटल्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जहां पर भी आपको जगह खाली दिखे आप वहां पर पेटल्स लगा सकते हैं। No.
पार्ट में ही ब्लू लगाना है, पूरी पेटल्स में नहीं लगाना। ठीक है, और कुछ एक सेकेंड के लिए इसे होल्ड रखना। ठीक है, ये सभी पेटल्स अंदर की ओर वैसे फोल्ड आए वैसे किया है, अब बाहर की ओर फोल्ड आए वैसे पेस्ट करना है। ग्रीन पेपर में आपको टू ऐसे ओवल शेप से ऐसे कर्व में कट करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ से जिग शेप जैसा शेप देना है। सीजर आपको सीधी चलानी है, फिर स्लांट में सीधी चलानी है, फिर स्लांट में सीधी चलानी है और फिर ठीक है, तो ऐसे कटिंग करना है इसका, तो ऐसा लीफ बन जाएगा। ठीक है, फिर आपको फिंगर और थंब की हेल्प से ऐसे इसको उल्टा कर देना है और ये पॉइंट पे आपको एक छोटा सा कट लगाना है, फिर यहाँ पर व्यू लगा के इसको स्टिक में यहाँ पेस्ट कर देना है। और फिर ऐसे फोल्ड करके रखना है। ओके, तो ये पेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो पूरा रेड पार्ट दिख रहा है उसके ऊपर भी हमें ग्रीन पार्ट लगाना है, तो आपको सिर्फ वो ट्राइंगल वाला कटिंग करना है। सीधी चलानी है, स्लांट में तो ऐसे थोड़ा सा पॉइंटेड ऐसे पीस कट करने हैं हमें। ठीक है, इसे 4 to 5 पीस कट करने हैं। और ये फ्लावर के नीचे हमें लगा देने हैं। इसको बॉटम पार्ट में यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, इस तरह से लगाना है और फोल्ड करके रखना है। ऐसे लगाना है, लास्ट में आपका रेड पार्ट नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे पेस्ट कर देना है। अब 3 to 4 लगाएंगे वो कवर हो जाएगा। ठीक है, नीचे से कवर हो जाएगा और ऐसे बन जाएगा। ठीक है।